उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 सामान्य ज्ञान। नमस्कार, स्वागत है आपका इसके पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 है, रोड फ्लैग वायुसेना अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका एवं भारत, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैज्ञानिक किस देश में 250 करोड़ वर्ष पुराने सरीसृप खोजे? तो ये ब्राजील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्त मंत्रालय ने बजट 2016-17 में किस योजना पर लगाए गए टैक्स को वापस लेने की घोषणा किया है? 3C कर्मचारी भविष्य निधि को, कर्मचारी भविष्य निधि को वापस लेने की घोषणा कर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में अबुल कलाम आजाद पुरस्कार किसको मिला? तो ये निदा फाजली को मिला है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर है। जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान बोलते हैं, जिसमें अनुसंधानकर्ता क्या करता है, प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अवैध तथा त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण करना होता है, 6 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर मिलान करना है मानक विचलन, तो मानक विचलन का चला जाएगा वर्ग मूल माध्य वर्ग में, यानी ऑप्शन ए का चला जाएगा चौथे पे, वर्गमूल माध्य वर्ग विचलन पे। चतुर्थक चला जाएगा अर्ध चतुर्थक अंतर पे, जबकि प्राप्तांक विचलन ये चला जाएगा माध्यमान तथा किसी प्राप्तांक के अंतर पे। जो प्राप्तांक विचलन है वो माध्यमान तथा किसी प्राप्तांक के अंतर, जबकि माध्य विचलन किस पे चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 पे, सभी विचलन का माध्यमान। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4, 5, 1, 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रायः संघात्मक प्रकार के विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों की व्यवस्था किस इस प्रकार की जाती है? तो 8 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा संगठक महाविद्यालयों में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर नौ है, शून्य परिकल्पना अमान्य हो जाती है जबकि यह सत्य है व्यक्त करती है, यह सत्य है व्यक्त करती है। तो 9 का सी, ये टाइप 1 गलती को व्यक्त करती है। शून्य परिकल्पना जब अमान्य हो जाती है जबकि सत्य है कि यह व्यक्त करती है, तो टाइप 1 गलती को, 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में एयर मेल सेवा कहाँ तक चलाई गई थी? तो 10 का राइट ऑप्शन इलाहाबाद से नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम डाक व्यवस्था में भारत में किसने स्थापित की है? तो ये है बी, कॉल लॉर्ड कॉयल ने। प्रथम डाक व्यवस्था जो है ये लॉर्ड कॉयल ने क्या किया है, स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कलकत्ता प्रधान डाकघर GPO स्थापित किया था? तो 12 का डी, वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था विश्व में प्रथम कलकत्ता प्रधान डाकघर। जबकि प्रथम डाक व्यवस्था भारत में किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था लॉर्ड कॉयल ने, 11 का यानी बी। और निम्न में कलकत्ता प्रधान डाकघर GPO स्थापित किसने किया था? 12 का डी, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, घास वन में पाए जाने वाली खास श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन 13 का सी राइट है, घास, हिरण, शेर और जू। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द को देने वाले थे, तो ये जो शब्द दिए हैं ई हैकल महोदय दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है ये विशेषता है, तो इसकी विशेषता कहाँ की, कश्मीर की है, कश्मीर की। क्वेश्चन नंबर 15, काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक कौन थे? 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अमीर खुसरू थी। क्वेश्चन नंबर 17, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? 17 की भी, सवाई प्रताप सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है, तो ये संबंधित है किराना घराने से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? तो बी, तमिलनाडु तट में। दक्षिणी भारत का उच्च जो कृषि उत्पादकता है वो तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? तो ये हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है तो किसका रहा है, स्वामीनाथन का। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नगदी हैं?
तो यहाँ पे जो नकदी फसलें हैं कपास गन्ना केला की हैं। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन एकात्मक लक्षणों से युक्त होते हुए संघात्मक, यही सबसे प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 24 का राइट ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, यानी 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से विश्व में लौ महिला के नाम से विख्यात 8 अप्रैल 2013 में निधन हो गए कौन थी? तो 25 का राइट ऑप्शन ए मार्गरेट थैचर। विश्व में लौ महिला के नाम से ये विख्यात थी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का सदस्य नहीं होता किंतु संसद की कार्यवाहियों में अधिकतम अधिकारता भाग ले सकता है? 27 का राइट ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी, ये अधिकारता भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 28, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में किस आयु वर्ग के लिए है? 28 का राइट ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष के लिए है। क्वेश्चन नंबर 29, सन 1985 में कृषि मूल आयोग का नाम बदल के क्या रखा गया? 29 का बी कृषि लागत एवं मूल आयोग। कृषि मूल आयोग का नाम बदल के कृषि लागत एवं मूल आयोग। और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एकाधिकार और केंद्रीकरण का कारण है? तो 30 का डी, यानी ये सभी हो जाएंगे जिसमें औद्योगिक नीति में उपलब्ध अवसर, लाइसेंसिंग नीति और कार्य प्रणाली, सार्वजनिक क्षेत्र की संख्याओं से प्रवाहित वित्त अधिकार बड़े औद्योगिक घरानों का जो गया और छोटे मध्यम कुटीर उद्योग का अल्प विकास, यानी सभी ऑप्शन सही हैं, एकाधिकार और केंद्रीकरण का कारण है। तो ये 30 का डी सभी सही हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो का एक क्वेश्चन कट गया था, औद्योगिक नीति 1956 के निम्नलिखित उद्देश्य थे, तो 30 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसमें आ जाएगा 1 और 2, भारी उद्योग का विकास, आय संपत्ति की वितरण की असमानता को कम करना, ये औद्योगिक नीति 1956 का था। ये हो गया आज के कुल 30 क्वेश्चन। धन्यवाद।